दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज भी भारतीयों की सोच है कि लव मैरिज ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती और जल्द ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, यानी कि अपना रिश्ता खत्म कर लेते हैं, और अरेंज मैरिज जन्म जन्मांतरों तक टिकने वाला रिश्ता होता है। खैर ये तो मात्र एक सोच है, दोनों के विषय पर खुलकर बात करते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। सबसे पहले लव मैरिज में आपकी पसंद के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ जान लें, यहाँ तक कि एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी पता होती हैं, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। वहीं अरेंज मैरिज में आप दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी प्रयासों के बाद भी थोड़ा बहुत ही जान पाते हैं, और जो जानकारी आपने हासिल की भी है वह कितनी सही या कितनी गलत है यह भी कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर सब कुछ लगभग सरप्राइज जैसा होता है। यहाँ पर सिर्फ आपकी राय पूछी जाती है, आप फैसला लेने वाले नहीं होते। यदि आप ना भी करना चाहें तो कर सकती हैं या कर सकते हैं, लेकिन ना करने के लिए भी आपके पास कोई ठोस कारण होना जरूरी होता है। लव मैरिज में शादी का फैसला, लव मैरिज में शादी का फैसला उन्हीं लोगों को लेना पड़ता है जिन्हें एक साथ रहना है या साथ साथ जिंदगी बितानी है। लव मैरिज में प्यार करने वाला जोड़ा या तो लंबे समय से एक दूसरे को जानता है या साथ रहा होता है, ऐसे में एक दूसरे के वीक पॉइंट को भी अच्छी तरीके से जान चुके होते हैं। अरेंज मैरिज में शादी का फैसला, इसमें आप दोनों के माता पिता, रिश्तेदार या कोई बिचौलिया जरूर होता है जो एक दूसरे की खूबियां बताकर रिश्ते को जोड़ने का काम करता है। इसमें एक दिन निश्चित करके अब लड़की लड़के को मिलवाया जाने भी लगा है। इस तरह की शादी में लड़के लड़कियां कुछ ही समय के लिए मिलते हैं और अपने अपने माता पिता को अपने विचार बताने पड़ते हैं कि उन्हें लड़की या लड़का पसंद है या नहीं, क्या अच्छा लगा, उसका स्वभाव कैसा लगा और वह कैसा है। एक बात समझ में नहीं आई कि जहां किसी को परखने में बहुत समय चाहिए होता है, फिर भी कुछ बातें तो इंसान पूरे जीवन साथ रहकर भी एक दूसरे के बारे में ठीक से, या कुछ बातें जो समय से परे रहती हैं। अब एक बात समझ नहीं आती कि थोड़े से समय में लोग एक दूसरे के बारे में क्या जान सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्कैनर को भी किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। खैर दिमाग तो कंप्यूटर से बहुत तेज होता है, किंतु जहां पर बताई गई बातें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं इसकी कोई जानकारी नहीं होती या कोई यथार्थ नहीं होता। मैं तो किसी और से प्यार करती थी या करता था, क्या क्या किया, मैं उसे छोड़ चुकी हूं या छोड़ चुका हूं, कैसे बताएगा। लव मैरिज में जिंदगी एक दूसरे को अच्छे से जानने के कारण शुरुआत आसानी से हो जाती है। एक दूसरे की कमी को भी यानी कि गलतियों को भी स्वीकार करना जानते हैं, लेकिन बात बिगड़ गई तो लव मैरिज में सहारा देने वाला कोई नहीं होता या कम ही लोग मिलते हैं। अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन सहारा दोनों तरफ से मिल जाता है या मिल सकता है। लव मैरिज में ना दहेज की खिचखिच ना व्यर्थ की दोनों तरफ से कोई टेंशन। वही अरेंज मैरिज में दहेज का और व्यर्थ का दिखावा, काफ़ी पैसा खर्च भी हो जाता है और स्थिति कंगाली की भी पैदा हो जाती है। फिर दोनों ही शादियां अपनी सोच विचार पर टिकी हैं कि सामने वाला क्या सोचता है और उसकी क्या राय है, क्योंकि दुनिया में तरह तरह के लोग तरह तरह की इच्छाओं को और विचारों को रखने वाले होते हैं। कोई लव मैरिज को अच्छा मानता है तो कोई अरेंज मैरिज को। यह आपकी सोच पर आधारित होता है कि आप किसे अच्छा मानते हैं।
वैसे तो आप जिसे अच्छी तरह निभाना चाहेंगे वही आपके लिए अच्छी होगी, बस आप दोनों की समझ में यह होना चाहिए आखिर हम लोगों को ऐसा क्या करना है जिससे हमारा जीवन लंबा चल सके और हम दोनों साथ साथ रहकर भी लोगों को दिखा सकें कि हाँ हम भी परपक्के हैं और अपने रिश्ते के प्रति वफादार, ईमानदार और सजग हैं। ऐसे रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, फिर चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज।